दोस्तों, भगवान श्री राम ने तो जहां अपने पूर्वजों के पितरों के मोक्ष के लिए यहां पर तर्पण और श्राद्ध किया, वहीं जो रावण था वो एक ब्राह्मण था और उसने अपने मोक्ष का मार्ग भगवान श्री राम को बनाया। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान श्री राम का नाम जो है, मरते वक्त अगर आदमी नाम भी ले ले तो उसका मोक्ष हो जाता है। तो भगवान श्री राम का नाम न भर लेते हुए भगवान को स्वयं उसने अपने घर बुलाया और अपने साथ साथ अपने सभी कुल के सारे लोगों का उसने पहले मोक्ष कराया, इसके बाद उसने अपनी जो है वो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया और इस तरह से उसने सकुल मोक्ष को प्राप्त किया। अत्यंत ज्ञानी जो ब्राह्मण था वो रावण था और उसने ये माया जाल पूरा रचा। माता सीता को उसने ला करके वाटिका में रखा और इस बहाने से भगवान श्री राम को उसने अपने घर बुलाया और सकुल मोक्ष की प्राप्ति की। यहाँ आकर के उसी तरह से भगवान श्री राम ने अपने पितरों के श्राद्ध के लिए मोक्षदायिनी माँ क्षिप्रा के तट पर आकर तर्पण और श्राद्ध किया। आइए हम चलते हैं, मिलते हैं यहाँ के प्रमुख पुजारी पंडित ज्ञानेश जोशी जी से और उनसे जानते हैं कि क्या है इस मंदिर का महत्व। आइए पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लॉजिकल इंडिया में। क्या महत्व है पिशाच मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का और किस तरह से रावण ने जिस तरह से भगवान राम के हाथों मर करके पूरे कुल को मोक्ष दिलाया था और भगवान राम ने किस तरह से ब्राह्मणों के हाथों यहाँ पर मोक्षदायिनी माँ क्षिप्रा के तट पर अपने पितरों के लिए शादी किया, आप इस पर प्रकाश डालिए। राजा रामचंद्र जी दशरथ जी का पिंडदान करने आए, जहाँ पर श्रवण की हत्या होने से उनको प्रेत की योनि प्राप्त हो गई थी, इस कारण से आकाशवाणी हुई और उनसे कहा गया कि राजा रामचंद्र दशरथ जी के पिंडदान करो और आपके पिताजी प्रेत योनि में हैं, इसलिए महाक्षिप्रा नदी रामघाट महाकाल वनी हरसद्धि पीठे पिशाच मोचन तीर्थ है, तो पिशाच मोचन तीर्थ पर जाकर आप उनका तर्पण और पिंडदान करने से प्रेत योनि से मुक्त होता है। इसलिए राजा रामचंद्र जी, माता जानकी और लक्ष्मण जी सहित आए, उन्होंने आकर यहाँ पर तर्पण किया, उसके बाद में पिंडदान किया। ये मोक्ष देने वाले हैं। जो भी मनुष्य योनि में आता है, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जो भी हो, वह प्रेत की योनि में प्राप्त होता है। उसके बाद में 13 दिन के बाद में वह मनुष्य योनि से छूटकर, प्रेत योनि से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। यहाँ पर मोक्षदायिनी माँ क्षिप्रा जो है वो प्राण तत्व का, आत्मा का जो यहाँ पर है वो मोक्ष होता है, यहाँ पर पिंड दान होता है। पिंड दान का क्या महत्व, तो पिंड को कैसे, जिस तरह से कहा गया कि यत पिंडे तद ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, तो वो पिंड का किस तरह से दान ये किया जाता है? पिंड का दान इसलिए होता है, एक तो चावल के आटे से बनता है पिंड, एक उड़द के आटे से बनता है और तिल के आटे से, तीनों आटे का घोल होने के बाद में एक पिंड बनाया जाता है। उसमें गति अवगति आँख से देखे नहीं, कान से सुने नहीं, 71 पीढ़ी में कोई भी हमारे परिवार का पितरों के मोक्ष के लिए वह पिंडदान होता है और वह पिंडदान करने से मोक्ष को प्राप्त होता है। और इस तरह से 84 लाख योनियों के बंधन से वो यहाँ से होने से बाद में पिंडदान तर्पण होने के बाद में 84 योनियों से मुक्त होकर वह यमलोक में, विष्णु लोक में जाता और उसका लेखा जोखा सब चित्रगुप्त बताते हैं। यही चित्रगुप्त भगवान का जो यहाँ पर मंदिर है साथ में, और यमराज का भी ये मंदिर है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आइए अब हम चलते किस तरह से श्राद्ध कर्म किया जाता है, आइए अब हमारी भी आप पूजा अर्चना करवाइए। संगमम नील गंगायाम यावत गांधर्वती नदी तयोर मध्य तो या क्षिप्रा देवा नाम पितुलबा देव देव जगन्नाथ शंख चक्र गजाधर गुरु विष्णु एतव आज्ञानम श्री क्षिप्रा देवै नमः। चंद्रमा देवता आदित्य देवता श्रीमन महागजान महाराज देवता भ्यो नमः। पितृदेवता भ्यो नमः। अभी हाँ सफेद पितरों जव और तिल्ली से तृप्त होते हैं, इसलिए जव तिल्ली और फूल कंकु अक्षता चंदन इनसे उनका तर्पण उससे तृप्त होते हैं। पवित्रो अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम यही साथ में। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम मधोक्षाय नमः। ओम नारसिंहाय नमः। ऋषि नाम तर्पण, ऋषि नाम तर्पण, ऋषि नाम तर्पण।
अष्ट सौभाग्य द्रव्यानी माल्यादेनी सुगंधेनी माल्यत्यादेन प्रभु वयारतानी पूर्जातम पुष्पो यम प्रतिग्राम। पिताजी का, आपके पिताजी हैं। स्वस्ति ना पुरुखा विश्वदेता स्वस्ति नष्टारो अरिष्ट नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धतातुः। करा है सो मान्य करना, हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करना। नाना गुरु शैलिका मल्लिका अर्जुन उज्जैन्यां च महाकालम ममलेश्वरम पार्वती वेदना च डाक्यां भीम शंकरम सेतु बंदे तो रामेश्वर नागेश्वर द्वारका मुनि एता ज्योतिर्लिंगा ने सायंकाले ओम नमः शंभवा शमश्व अम्मा विष्णु सदा शिव हर गंगे धारा ओम जय हर हर महादेव। चिप्रा माता की जय। दोस्तों, ये पूरी जो प्रक्रिया थी श्राद्ध पक्ष की, तर्पण की, आपको पंडित ज्ञानेश जोशी जी ने हमारे साथ पूरी करवाई। आज मैंने भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, साथ ही साथ अपने सभी इष्ट मित्रों, रिश्तेदारों, नातेदारों सबके लिए मैंने भी यह कामना की कि उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो। जो नहीं हमारे बीच है उनको सबको मोक्ष प्राप्ति हो। और भगवान राम ने जिस प्रकार से अपने मित्रों के लिए पूजा अर्चना की, उसी तरह से मैंने भी उतनी श्रद्धा भाव से करने की कोशिश की है। और जिस तरह से ब्राह्मण होकर के रावण ने अपने आप के मोक्ष का रास्ता अपना लिया, तो वैसे मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मगर पंडित ज्ञानेश जोशी जी के माध्यम से आज हमने यहाँ ये पूजा अर्चना की। आशा करते हैं कि हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा और जगत में सब जगह शांति होगी। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए लॉजिकल इंडिया पर। हम आगे भी आपको इस तरह के और रोचक कार्यक्रम या वीडियो दिखाते रहेंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाशिव। जय पिशाच मुक्तेश। जय पिशाच मुक्तेश।